हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठीक होंगे और अपनी बगिया में लगे होंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपने आज टमाटर के पौधों का अपडेट दूंगी। देखिए, ये मेरे टमाटर का पौधा है जिसको मैंने अपनी घर में जो टमाटर आते हैं उसकी पौध से बनाया था। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने टमाटर आए हुए हैं, कितने सारे टमाटर हैं। ये देखिए कितने टमाटर, मोटू मोटू टमाटर है देखिए। और इसमें से मैं हार्वेस्ट भी करूंगी आज। तो वैसे तो जब रेड होते हैं तभी हार्वेस्ट किया जाता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये और बढ़ रहा है तो मैं इसमें से कुछ हरे भी जो है हार्वेस्ट कर लूँगी, ताकि ये और न्यूट्रेंट बाकी के पौधे को मिले। देखिए जी कैसे लदा पड़ा है टमाटरों से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए कितने गुच्छों में लगे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए ये देखिए लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर इधर भी लगे हुए हैं। तो सब जगह ये भरा पड़ा है टमाटर के, ये देखिए इस तरफ भी भरा हुआ है। तो ये एक पौधा था सिर्फ, छोटा सा, कितना, इतना पौधा मैंने लगाया था देखिए। और ये देखिए कितना सारा हो गया है। तो इसको मैंने डंडी से ऊपर को चढ़ा दिया था और ये बेल जो है बेल की तरह बन गया। तो ऐसे ही मैंने ये भी लगाए हैं 3-4 पौधे, तो ये भी ऐसे ही इतने बड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे कर सकते हैं। घर में जो टमाटर आते हैं उसमें से आप टमाटर को यूज़ कर लीजिए, और उसके जो सीड्स हैं उनको आप कहीं भी गमले में या किसी भी जगह पर उनको मिट्टी में दबा दें, तो आपको ऐसे ही कितने ही पौधे मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसके पौधे, जैसे कि आज मैं लेकर आई हूँ। आप देखेंगे कितने सारे पौधे आज मैं लेकर आई हूँ, और वो मैं अब ग्रो भी करूँगी। देखिए कितने सारे पौधे हैं जो मैंने गमले में लगाए थे, और देखिए कैसे ये इतने पौधे बन गए हैं। तो ये मैं अब ग्रो करूँगी, और इसमें से भी जब तक वो पौधे चलेंगे तो ठीक है, नहीं उसके बाद इन पौधों से भी टमाटर लूँगी। इससे पहले भी मैंने देखिए ये पौधे 3 दिन हो गए ये वाले लगाए थे मैंने, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। क्योंकि जब हमें घर से पौध मिलती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं चलो और बना लेते हैं। ये देखिए ये भी कितना बड़ा पौधा हो गया है मेरा, ये भी देखिए कितना बड़ा चल रहा है, ये भी चल रहा है। देखिए यहाँ पर 3-4 देखिए पहले मैं ले लिए हैं मैंने इसके, और आज देखिए ये देखिए रेड हो गया है। तो ये रेड वाला मैंने यहाँ से तोड़ लिया है, और ग्रीन भी मैं तोड़ लेती हूँ जिस पौधे में ज़्यादा सारे लगे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से कुछ ग्रीन जो है वो भी देखिए आप निकाल लेते, क्योंकि ये जो पौधा है बहुत बड़ा हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने सिंगल ही लगाया था, एक ही उससे, जैसे कि ये लगाए हुए हैं एक एक, तो वो इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसको लगाए मुझे 1 मंथ हो चुका है। देखिए ये वाला, तो इसमें से मैंने ये निकाले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टमाटर लग गए हैं। तो इन टमाटरों को जो बड़े हो गए थे वो मैंने काट लिए, निकाल लिए, क्योंकि ये बड़े बड़े भी रेड हो जाएंगे, और क्योंकि इस पौधे को भी न्यूट्रेंट चाहिए, नहीं तो ये जो टमाटर हैं ये ही इसका न्यूट्रेंट लेते रहेंगे। तो हमें टाइम टाइम पर इनको जो बड़े होते हैं उनको निकाल लेना चाहिए। ऐसे ही देखो ये एक पौधा लगाया था, देख सकते हैं आप इसमें भी निकल रहे हैं। सो आप भी घर में जो भी टमाटर आप लेकर आते हैं, चाहे वो चेरी टमाटर हो, चाहे गोल हो, चाहे बड़ा हो, जहाँ
हमें कई छोटे छोटे भी टमाटर होते हैं तो वो हो, जैसा भी टमाटर आपको मिले बाज़ार से आप यूज़ तो करती हैं। हम किचन में डेली का हमारा काम है इसको यूज़ करना, तो उसमें से आप कुछ जो है टमाटर के सीड निकाल लें और उनको जैसे कि मैंने पौध आपको दिखाई है अभी, तो उस तरह आप किसी भी गमले में किसी भी पॉट में कोई भी आपके पास डब्बा ही हो अगर कोई कोई प्लास्टिक का, तो उसमें भी आप उसको डाल सकते हैं उन सीडों को, और ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दें और उसको जब जब वो उसकी मिट्टी सूख जाएगी तब तब उसमें पानी डालें। ज़्यादा पानी भी ना डालें क्योंकि नहीं तो सीड जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे अंदर ही, तो उसमें से जो है पौध नहीं निकलेगी। तो फ्रेंड्स आप यत्न कीजिए और इतने सारे पौधे जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ टमाटर के घर में फ्री में ही बना सकते हैं और उनसे टमाटर ले सकते हैं। जैसे आज मैं और भी अभी ग्रो करूँगी तो मुझे सारी गर्मियाँ जहाँ से टमाटर मिलते रहेंगे, मुझे बाज़ार से टमाटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जो ये टमाटर होते हैं जो हम अपने ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और उसके सीड और उसका रस जो होता है बहुत ही ज़्यादा खटास भरपूर और सेहतमंद होता है हमारे लिए। सो फ्रेंड्स फ्री में आप टमाटर पाएं बिना किसी उससे पैसे लगाए, तो मैंने सोचा आपको भी मैं बताऊं ताकि आप भी फ्री में पा सकें। सो ये जो सीज़न है हमारा ये टमाटर के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। इस सीज़न में हमें इस मंथ में फरवरी मार्च में हम टमाटर की पौध आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं और उसको लगाकर ट्रांसप्लांट करके कहीं भी तो आप बहुत सारे टमाटर पा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ भी किया है, ये देखिए जगह जगह पर मैंने इनको किया हुआ है, गमले में भी किया हुआ है। तो आप भी आशा करती हूँ आप भी मेरी इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, हैप्पी गार्डनिंग।